बेटा कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह अंकल ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं आप कैसे हैं? बेटा इंटर का रिजल्ट आया है, देखा तो होगा आपने। जी जी अंकल देखा ही है। बेटा बहुत बुरे हालात चल रहे हैं, वैसे हम लोगों को पढ़ना चाहिए। फजर की नमाज पढ़ते हो? जी जी अंकल कभी कभार पढ़ ही लेता हूँ। नहीं नहीं बेटा तहज्जुद ही पढ़ा, दिमाग खोलती है। वैसे क्रिकेट वगैरह खेलते हो? जी अंकल क्रिकेट फुटबॉल तो हम रेगुलरली खेलते हैं। नहीं नहीं साथ एक्स्ट्रा वर्जिश भी किया, वो भी दिमाग खोलती है। वैसे मूवीज वगैरह देखते हो? जी अंकल वो तो सारी की सारी देखी हुई है, असल में इंफॉर्मेटिव होती है ना, बहुत इंफॉर्मेशन। नहीं नहीं बेटा वो बिल्कुल भी ना देखा करो, वो तो सोच को रोकती है। जी अंकल वैसे बेटा शक्ल से तो आप बड़े पढ़े हुए लगते हो, आप इंटर में फेल कैसे हो गए? अंकल मैं कैसे फेल हो सकता हूँ? मैं तो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, 3.8 मेरा CGPA जा रहा है, मैं कहाँ से फेल हो गया? अच्छा आप फेल नहीं हुए? अच्छा सॉरी बेटा सॉरी, इसमें आज सारे फेल हो रहे हैं ना, आपको भी डिप्रेस देखा मैं, शायद आप भी फेल हो। माजरत माजरत। नहीं भाई आपके पास 5 मिनट है घर खाली करने का, घर खाली करूँ, मेरा अपना घर है, आप कौन है भाई? भाई आपको गलत फहमी हुई, ये घर पिछले हफ्ते का ही बिक चुका है। आपको गलत फहमी हुई है, ये मेरे पास सारे लीगल कागजात है, आप बाद में सर्विस से चेक कर लीजिएगा। या भाई आपके पास कहाँ से आ गए? मैं क्यों देखिए भाई, मेरे दादा पर दादा के बाद इतनी मुश्किल से मेरे नाम हुआ। ओ यार मुझे 5 मिनट खाली करने के लिए तो दो। हेलो भाई कैसे दे दूँ? आपके पास 10 मिनट है, वरना मैं पुलिस को कॉल कर रहा हूँ। आप जाओ जाओ कॉल करो, ऐसी कैसी हो गया आपकी? हाँ 436 436 उधर ही खड़ा वो सर। ओ भाई 430 जा रही है। सामान वापस मोड़ो, दूसरी जगह वापस मोड़ो। मेरे भाई इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? आपको मैं चाहे तो फिर लगता हूँ।